किचन की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिसे जान के बेहद ही खुश होंगे आप। शायद आपने ये ट्रिक्स ना कभी सुनी हो ना कभी देखी हो। इन्हें देख के इन्हें सुन के आपको ऐसा फील होगा कि शायद अब आप किचन का काम और स्पीडली कर सकते हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो शरीर के लिए आपको मिल सकते हैं, किचन के लिए आपको मिल सकते हैं, कुकिंग के लिए आपको मिल सकते हैं। तो चलिए अपनी बढ़िया बेहतरीन किचन टिप्स के साथ शुरू करते हैं। जो चाय वाला ये कैटल होता है या ऐसे कोई बर्तन होते हैं, पतीला डोंगा, वो नीचे से जलने के कारण कभी कभी पीला पड़ जाता है। उसको इंस्टेंटली पीला रिमूव करने के लिए थोड़ा सा डाल दीजिए उसके ऊपर बेकिंग सोडा और साथ ही में डाल दीजिए थोड़ा सा विनेगर। इसका इंस्टेंट रिएक्शन होगा और जो भी नीचे से जलापन होगा वो इस कैटल से बहुत ईजिली एक स्क्रबर की मदद से हमने हटा लिया है। देखिए रिएक्शन हुआ है, कितना इंस्टेंटली ये क्लीन हुआ है। इतने ही इंस्टेंटली ये क्लीन होगा। आप भी अपने घर पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ऐसे विनेगर डाल लें। अगर बेकिंग सोडा से पूरा रिएक्शन ना हो तो आप सोल्ट प्लस विनेगर को भी करके देख सकते हैं। किस टाइप से जला है उस पर डिपेंड करता है कि बेकिंग सोडा या नमक डालना है विनेगर के साथ। आप डाल के देखेंगे इंस्टेंट रिएक्शन होगा और आपके कैटल जले हुए एकदम क्लीन हो जाएंगे। ऐसे क्रोचिस जो किचन में आ जाते हैं उन्होंने नाक में दम कर दिया होता है, जर्म्स फैलाते हैं, बैक्टीरिया फैलाते हैं और हमें इनको जल्द से जल्द भगाना है। इसके लिए हमने थोड़ा सा आटा और बोरिक एसिड मार्केट में इजीली मिलता है, आटे में थोड़ा बोरिक एसिड मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ही आटा लिया है, एक चम्मच भर के बोरिक एसिड डाला है। अब जिस पानी से हम ये आटा गूंदेंगे उसमें भी अब हम बोरिक एसिड मिलाएंगे। तो साइड में भी एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है जिससे आटा गूंदेंगे, इसमें भी एक चम्मच बोरिक एसिड डाल के इसको अच्छे से घुमाएंगे। और अब दोस्तों इसी बोरिक एसिड वाले पानी से इसी बोरिक एसिड और आटे का मिक्सचर जो है वो तैयार करेंगे। अब आपको क्या करना है कॉकरोचेस को भगाने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया रामबाण नुस्खा है। आप इस आटे को इस बोरिक एसिड वाले पानी से मलिए और उसके बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपको, अपने फटाफट से मल लेना है। फ्रेंड्स इस नुस्खे से मेरे घर के कॉकरोचेस तो भाग गए हैं। आपको भी बेहद मदद कर सकती है कॉकरोचेस भगाने के लिए। तो चलिए इस आटे को गूंदने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। उसके बाद जहां भी कॉकरोचेस आके आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, फ्रिज के कोने में, आपके सिंक के पास, आपके गैस के बर्नर्स के पास, आपके घर की डब्बियों में, घर की डब्बियों के पास जहाँ पे आप कबर्ड में अपने मसाले वगैरह रखते हैं, ये हर जगह रख सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। कॉकरोचेस हो जाएंगे 9, 2, 11। आजमा के देखिएगा मेरे कॉकरोचेस भागे हैं। ऐसे ही घर में चींटियों ने भी परेशान कर रखा है, कभी किचन में आती हैं, कभी वॉशरूम में, कभी खाने की चीज़ों में। तो अब हमने क्या करा है, चलो भाई चीनी में तो लौंग डाल के चीनी को बचा लेंगे, इसको एयर टाइट में बंद कर लेंगे, चलो चीनी में तो नहीं आएगी। लेकिन बाकी घर के कोनों को क्या करें, उसके लिए हम एक बढ़िया मिश्रण तैयार करेंगे। हमने आधा पानी लेना है बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, और आधा विनेगर। इस मिक्सचर को हमने बनाना है, बहुत ही बढ़िया चींटियों के लिए डिसइंफेक्टेंट बन चुका है। इसको अब हम फटाफट से बंद कर लेते हैं, इस डिसइंफेक्टेंट को जो हमने तैयार कराया आधा पानी आधे विनेगर से, और स्प्रे कर दें जहाँ जहाँ आपके घर में चींटियाँ आती जाती रहती हैं। चींटियाँ वहाँ से 9, 2, 11 हो जाएंगी। अब ये स्प्रे खाने की चीज़ों में तो नहीं डाल सकते, तो आटे को कैसे बचाना है, उसमें तेज पत्ता डाल लें। अब बढ़ते हैं आगे बहुत ही खास बहुत ही बढ़िया बालों की मेहंदी की ट्रिक के ऊपर। कौन नहीं चाहता कि उसके बाल जड़ों से हमेशा काले रहें। हर कोई चाहता है कि जब भी वो मेहंदी लगाए तो उसका असर इतना हो जाए कि उसके बाल ज़्यादा लंबे समय तक काले रहें, उसके बाल 3-4 गुना ज़्यादा काले हों और उसको बार बार ये मेहंदी लगाने का झंझट ना देखना पड़े। तो चलिए आइए आज हम एक ऐसा तरीका मेहंदी लगाने का लेके आए हैं जिसमें आपको बेहद ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही असरदार इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। इस मेहंदी को हमने एक लोहे की कढ़ाई में निकाल लेना है। दोस्तों जितनी भी मेहंदी आप सर पे लगाने का विचार बना रहे हो उतनी मेहंदी एक लोहे के कढ़ाई में निकाल लीजिए। और इसमें डालेंगे दोस्तों हम आंवला का पाउडर। आप जानते ही होंगे आंवला का पाउडर सर के लिए, बालों के लिए और बालों के कालेपन के लिए एक औषधि है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इस कढ़ाई को गैस की तरफ ले चलते हैं और गैस को ऑन करते हैं और इसको थोड़ा पकाते हैं जब तक कि ये मेहंदी और आंवले का पाउडर थोड़ा सा भुना ना जाए। दोस्तों इसका मकसद ये होता है कि इसके रिएक्शन से और इसके पकने से जो मेहंदी का कलर है वो पूरा खुल जाता है, खिल जाता है, जिसकी वजह से पानी का रिएक्शन मेहंदी के साथ बढ़िया होता है और इसमें गहरा कालापन आता है। और क्या क्या चीज़ें और सामग्री हम आगे डालने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे पकाइए और इसे अच्छे से पकाने के बाद गैस को हमें बंद करना होगा। लेकिन गैस को अभी बंद नहीं करना है, पकाने के बाद हमने क्या क्या करना है, हमने डालना होगा इसमें दोस्तों 2-3 आवश्यक चीज़ें। तो चलिए आप देख सकते हैं धुआं उठने लगा है, रंग मेहंदी और आंवले दोनों का बदला जा चुका है लगभग। तो चलिए
फटाफट से गैस को बंद करके या फिर बंद ना कह के मैं कहूँ सिम कर लेते हैं गैस को फिलहाल, और हम इसमें डाल देते हैं जितना इसको पानी की ज़रूरत है उतना पानी। ये लीजिए पानी से मुझे लगता है अभी ये ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, अभी मुझे लगता है कुछ पानी की और ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अभी रुकिए देखते हैं चेक कर लेते हैं कि कितने और पानी की ज़रूरत होगी। हाँ थोड़ा ही पानी और चाहिए, तो ये भी हमने डाल दिया है फटाफट से। अब दोस्तों इसको एकदम लो आंच पे थोड़ी देर पकने दीजिए, इससे क्या होता है मेहंदी अच्छी गाढ़ी काली हो जाती है और हमारे को अच्छा असर आता है, बाल भी स्वस्थ है, बढ़िया है, शाइनी रहते हैं, और जड़ से काले कर देगा ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेहंदी का काम ही यही है, लोग लगाते ही इसीलिए हैं। अब दोस्तों मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रहा हूँ जिससे बालों को नरिशमेंट भी मिलती है और मेहंदी लगाने के बाद उनमें एक अच्छा शाइन भी रहता है, वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। सभी के पास घर में इजीली असली एलोवेरा या फिर एलोवेरा जेल हो तो बढ़िया रहता है, और इस एलोवेरा जेल से बाल को बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब मैं गैस को फटाफट से कर लेता हूँ बंद। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा होने दीजिए ठंडा, उसके बाद हमें एक चीज़ का खासा ख्याल रखना होगा, हमने इसे इसीलिए पकाया है ताकि मेहंदी पूरी गहरी काली हो सके। तो हमने क्या करना है, अब इस मेहंदी को लगभग 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छे से पहले तो मिक्स कर लीजिए, उसके बाद 6 घंटे के लिए मेहंदी को काला होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहंदी जितनी काली होगी उतना ही इसका बढ़िया रिज़ल्ट होगा, इतना ही बेहतर रिज़ल्ट होगा, जिससे आप देखेंगे कि कितना आपको जड़ों से बालों में कालापन मिल जाएगा। तो मैं रखता हूँ इसको 6 घंटे के लिए, और उसके बाद दिखाता हूँ इसका हरे से रंग कैसे काला हो जाता है। चलिए दोस्तों अब मुझे लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, और ये देखिए मेहंदी कितनी काली हो गई है। अब आपको बताता हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं बालों में सफ़ेदपन आ चुका था, बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो चुके थे। अब आपको इसको स्ट्रिप वाइज ऐसे लगा लेना है अच्छे से। दोस्तों आपको इसको लगाने के लगभग 3 घंटे तक सर पे लगा के छोड़ना है, ताकि आपको जड़ों से कालेपन वाला असर मिल सके, और उसके बाद आप इसे बढ़िया लगा सकते हैं, और उसके बाद वॉश करके किसी भी शैम्पू से जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो वॉश कर लीजिए। बालों को बहुत ही असरदार कालापन मिलता है आंवला की मदद से, और एलोवेरा की मदद से जो शाइन मिलता है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार इसे ज़रूर लगा के ट्राई कीजिएगा दोस्तों, मेहंदी का ये बहुत ही बढ़िया असरदार तरीका है इसे लगाने का, और यकीन मानिएगा इससे बालों में अच्छा कालापन भी आएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हम फिर से आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और कैसा लगा ये बालों का बढ़िया वीडियो मेहंदी का मुझे ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। मैं फिर से लौटूंगा कुछ नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।